तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहां पर ट्रिपल एच ने अनाउंस किया एक मेजर इवेंट के बारे में और ये हिस्ट्री का पहला इवेंट होगा जो नाइट वन और नाइट टू में देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जी उसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने के बाद उन्होंने यहाँ पर डब्ल्यू में काफी बढ़िया मर्चेंडाइज सेल में इंक्रीज किया है। उसके बाद गैस यहाँ पर रसोमिना के बाद ये समर स्लैम ऐसा दूसरा इवेंट होगा जो यहाँ पर काफी तगड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड लाइन के लिए एक मेजर मैच यहाँ पर अनाउंस हुआ है जो की यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेडर मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड लाइन को लेकर। हालांकि यहाँ पर ट्रिपल एच ने बड़ा अनाउंस किया है अगले स्मैकडाउन के लिए। उनका ऐसा मानना है कि अगले स्मैकडाउन पे यहाँ पर लेडर मैच देखने को मिलेगा ट्रिपल थ्रेट, जहाँ एक तरफ होंगे यहाँ पर ब्लड लाइन के रेसलर, दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट और तीसरी तरफ होंगे यहाँ पर जजमेंट डे के रेसलर। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पर समर स्लैम का डेट और टाइम यहाँ पर रिवील्ड हो चुका है। तो गाइस इस बार का जो समर स्लैम होगा वो नाइट वन और नाइट टू में देखा जाएगा। आपको ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। और ट्रिपल एच ने जिसका यहाँ पर डेट अनाउंस किया वो देखने को मिल सकता है 2 और 3 अगस्त को। और गैस ये मैच आपको देखने को मिल सकता है न्यू जर्सी मेट लाइफ में। उसके बाद गैस अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जी उसो को लेकर, तो जी उसो यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट कर चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा मानना है कि जब से यहाँ पर जी उसो चैंपियन बने हैं तो यहाँ पर काफी बढ़िया मर्चेंडाइज सेल में उनके यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल एच ने बैड ब्लड के लिए एक काफी बढ़िया सा थीम सॉन्ग प्ले करवाया है जो आपको इस बार के इवेंट में बैड ब्लड में हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद गैस नेक्स्ट यहाँ पर सीएम पंक ने अपना नेम सजेशन दिया है कि वो लास्ट मैच अपने यहाँ पर रिसल करना चाहते हैं पर जॉन सीना के साथ। हालांकि जॉन सीना का ये भी लास्ट ही मैच होगा जहाँ वो लास्ट मैच अपना रिसल करने वाले कुछ ही मैचों में। उसके बाद गैस नेक्स्ट ये पॉल हेमन का कंसल्टेंट कोच वाला कुछ ज्यादा ही बढ़िया था। आप देख सकते हैं 3 रेसलर इनके यहाँ पर कोच लाइन में काफी बढ़िया सा प्रोग्रेस किए थे। पहले नंबर यहाँ पर सीएम पंक है जिनको 434 दिन का यहाँ पर रेंजिंग लाइन चैंपियनशिप मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ब्रॉक लेसनर, इनको 503 दिन का यहाँ पर चैंपियनशिप डेज लाइन मिला था। उसके बाद गए अपन नंबर 3 पे आते हैं रॉमेज, इनको 1316 दिन का यहाँ पर चैंपियन डेज मिला था जो की यहाँ पर पॉल हेमन की वजह से। उसके बाद गए नेक्स्ट यहाँ पर एक कैनेडियन रेसलर का यहाँ पर मृत्यु हो चुका है जिनका एज था इस समय यहाँ पर 50 ईयर ओल्ड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है सराया को लेकर, इनका नाम से यहाँ पर WWE में जो की पेज के नाम से जानते थे सब लोग। इनका जो यहाँ पर साइन द कॉन्टेक्ट था AEW वो समाप्त हो चुका है और ये एक बार फिर से यहाँ पर साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती है अपना AEW में। क्या हो गाइस अगर इस बार के रेसोमेनिया में ये 4 मैचेस आपको देखने को मिल जाए तो? पहला मैच जो कि आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर कोडी रोड वर्सेस यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के बीच, दूसरा मैच यहाँ पर गुंथर और जॉन सीना के बीच, और तीसरा मैच यहाँ पर देखने को मिल जाए रॉमरेज और थीरॉक के बीच, और चौथा मैच यहाँ पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच। और गाइस अगर ऐसा देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर रेसोमेनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। उसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट अपडेट है डॉल्फ जिगलर को लेकर। डॉल्फ जिगलर को यहाँ पर एग्जैक्टली 8 साल हो चुके जब इनका एक प्रोमो सेगमेंट यहाँ पर WWE में वायरल हुआ था। और शायद से ये वाला प्रोमो सेगमेंट आप सभी ने सुना होगा, जब आप किसी से प्यार करते हैं और उनका सामने से प्यार नहीं मिलता तो आपको काफी दुख होता है, यानी कि सम टाइम द थिंग्स यू लव ऑलवेज डोंट लव थिंग्स बैक। उसके बाद गाइस आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये सारे मैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद गाइस एक बार फिर से यहाँ पर डस्टिन रोड एक बार फिर से यहाँ पर AEW में साइन द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है मर्सिडीज मोन यानी कि सासा बैंक को लेकर। जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका एम क्या है यहाँ पर रेसलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर सासा बैंक का ऐसा मानना है कि वहाँ पर वुमेन हिस्ट्री में वो पहली रेसलर बनना चाहती है जो हाईएस्ट पेड रेसलर के नाम से जानी जाए। उसके बाद आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर बिगी ई को लेकर है। वैसे गाइस बिगी ई काफी समय से यहाँ पर इंजर्ड थे, हालांकि वो इंजर्ड से बाहर हो चुके, हो सकता है कि इनका काफी जल्द यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाए। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।